हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग एनटीए यूजीसी नेट। तो जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन लेकर के आया है अनअकैडमी। आपका 10 डेज़ का रिवीजन रहेगा इस बैच में। यहाँ पे आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस का 10 डेज़ का रिवीजन मिल जाएगा। ये आपका 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से एजुकेटर्स रहेंगे। ऐसे ही आपका कॉमर्स का भी बैच स्टार्ट हो रहा है 10 डेज़ का। यहाँ भी आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन का रहेगा और स्टार्टिंग डेट सेम है, 21 अप्रैल से ये भी स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरीके कॉमर्स का जो है वो आपका एक और बैच स्टार्ट हो रहा है 21 अप्रैल से। ये भी आपका 10 डेज़ का बैच है। इसमें अलग एजुकेटर्स होंगे। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सब आपके फास्ट ट्रैक रिवीजन के हैं। तो यहाँ पे आपका 10 डेज़ में रिवीजन करवा दिया जाएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। साथ में अगर आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अभी मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ शिक्षा 10। और ये रेफरल कोड यूज़ करने पर आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज के हमारी वीडियो हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस तो कवर करेंगे, मतलब उसमें मिक्स सारा होगा, अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रैंकिंग होगी, सारा मिक्सचर का क्वेश्चन होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में कुछ अवार्ड्स के क्वेश्चन है तो पहले वो सारे देख लेते हैं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष मेल कैटेगरी में पुरस्कार जीता है? शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, अक्षय कुमार या फिर विक्रांत मैसी? तो किसने जीता है? अक्षय कुमार ने जीता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मेल कैटेगरी में। कौन सी मूवी के लिए? लक्ष्मी मूवी के लिए। लक्ष्मी मूवी के लिए। और दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इसी कैटेगरी में पर क्रिकेट के रोल में, बेस्ट एक्टर क्रिकेट के रोल में, बेस्ट एक्टर क्रिकेट के रोल में ये पुरस्कार दिया गया है। इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत पोस्थमसली दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया गया। तो अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर के रूप में और सुशांत सिंह राजपूत को बेस्ट एक्टर क्रिटिक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? फिल्म पूछी है तो छपाक, गर्टी, लक्ष्मी या फिर तानाजी द अनसंग वॉरियर। तो यही आंसर हो जाएगा, तानाजी द अनसंग वॉरियर ने वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया है। इसमें लीड रोल में कौन थे? अजय देवगन और काजोल। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला यानी वेब कौन से सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज को, ठीक है, वेब सीरीज को ने पुरस्कार जीता है? तो स्कैम 1992, सीक्रेट गेम्स, डेरी क्राइम या फिर पताल लुक। चारों ही बहुत अमेजिंग वेब सीरीज रही हैं। तो हाँ, पर फिलहाल जो अवार्ड दिया गया है वो किसको? स्कैम 1992 को मिला है। ये किस पे इसे फोकस किया गया? तो शेयर मार्केट घोटाला हुआ था 1992 का फेमस, उस पर ये बेस्ड है मूवी है। काफ़ी अच्छी मूवी थी। तो इसको वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है। अभी इसकी सेम कौन सी बनाई गई है हमारे बॉलीवुड में मूवी बनी है, कौन सी? द बिग बुल, जिसमें अभिषेक बच्चन ने में लीड रोल पे काम किया है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री का नाम क्या है? कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण या अनुष्का शर्मा? तो कौन हो जाएंगी? दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर कौन? अक्षय कुमार को मिला लक्ष्मी मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को मिला है। कौन सी मूवी? छपाक मूवी के लिए, ठीक, फॉर छपाक मूवी। दूसरा
क्वेश्चन होगा, जैसे उसमें हमने सुशांत सिंह राजपूत को बेस्ट एक्टर क्रिकेट के कैटेगरी में मिला था, यहाँ पे दीपिका पादुकोण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है छपाक मूवी के लिए। और दूसरा अगर वेब सीरीज में पूछ रही कि वेब सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, मूवी में तो दीपिका पादुकोण होगी छपाक मूवी के लिए। अगर बेस्ट सीरीज का पूछे तो बेस्ट सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो सुष्मिता सेन को मिला है, सुष्मिता सेन को मिला है। कौन सी सीरीज के लिए, तो आर्या सीरीज के लिए। ठीक है, ये OTT प्लेटफॉर्म पे आई थी। OTT मतलब ओवर द टॉप, जैसे हॉटस्टार अमेजन वगैरह में जो मूवीज़ या सीरीज़ लॉन्च होती है तो OTT प्लेटफॉर्म में आई थी। ये हॉटस्टार सीरीज़ थी। तो वेब सीरीज़ में अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो सुष्मिता सेन को मिला है आर्या मूवी, आर्या सीरीज़ के लिए। और मूवीज़ में सीधे नॉर्मली बात करें बेस्ट एक्ट्रेस तो दीपिका पादुकोण को मिला है छपाक मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया। तो ऑप्शन है मणिका श्योकंद, मानसा वाराणसी, सुमन रतन सिंह राव या फिर मान्या। तो कौन हो जाएंगे, मनासा, मानसा, वाराणसी, ये कहाँ की है, तेलंगाना की है। आगे गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो असम, मणिपुर, दमन दीव या फिर जम्मू कश्मीर। तो कहाँ किसमें, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो जम्मू कश्मीर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में। द्वितीय विश्व युद्ध ड्रामा इनटू द डार्कनेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बेस्ड कौन सा ड्रामा सीरीज इनटू द डार्कनेस जो है में भारत के 51वें इंटरनेशनल फिल्म समारोह में गोल्डन पीकॉक कौन सा अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। तो फिल्म इनटू द डार्कनेस में से किस देश की है, डेनमार्क, अर्जेंटीना, जापान या चाइना। तो किस देश की है, डेनमार्क की ये ड्रामा सीरीज है। और जो ये 51st इंटरनेशनल फिल्म समारोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था। ठीक, तो किस देश से है, तो डेनमार्क से है। और ये याद रखिए कि किसको मिला है, तो किसको, इनटू द डार्कनेस जो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे बेस्ड ड्रामा सीरीज है, किसको, इनटू द डार्कनेस। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी के अध्यक्ष पाब्लो सेसर किस देश के फिल्म निर्माता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं, क्वेश्चन मेंशन है तो रशिया, अर्जेंटीना, डेनमार्क या फिर जापान। तो जो पाब्लो सेसर है जूरी के अध्यक्ष 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जो अध्यक्ष हैं पाब्लो सेसर, वो किस देश से, अर्जेंटीना से संबंधित है, अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता है। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2021 में आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग की सूची में किस जिले का स्थान सबसे ऊपर है। ऑप्शन है पेड्डापाली, तेलंगाना, पानीपत, हरियाणा, पुरी, उड़ीसा या फिर नवाडा, बिहार। तो जो आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग की सूची में सबसे ऊपर सबसे पहला स्थान किसका है, ये ऑप्शन हो जाएगा नवाडा, बिहार सबसे शीर्ष स्थान पर है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई या नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो 1 जनवरी 2015 को आया। किसके स्थान पर आया था, योजना आयोग के, पहले योजना आयोग था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सदैव प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, कौन है इस टाइम, मतलब राजीव कुमार है। और CEO कौन है, अमिताभ कांत। तो नीति आयोग अस्तित्व में एस्टैब्लिश कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन होते हैं, सदैव प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है इस टाइम, राजीव कुमार। और CEO कौन है, अमिताभ कांत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस शहर को सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में
1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों के रूप में स्थान दिया गया है। ऑप्शन है शिमला, बैंगलोर, वडोदरा या फिर हैदराबाद। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बैंगलोर, बेंगलुरु हो जाएगा आंसर। कि बेंगलुरु को ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य इसको घोषित किया गया है, और शिमला को 10 लाख से कम में। दस लाख से कम वाली सूची में रखा गया, बैंगलोर 10 लाख से अधिक, शिमला 10 लाख से कम। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, कौन से नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस नगर पालिका को पहला स्थान मिला है? पटना, जयपुर, इंदौर या फिर दिल्ली। तो किस, क्या हो जाएगा आंसर? इंदौर को प्रथम स्थान मिला है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस समारोह 72nd गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान महावीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? संतोष बाबू, संजीव कुमार, पिंटू कुमार सिंह या फिर श्याम नारायण सिंह यादव। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? संतोष बाबू। महावीर चक्र किनको प्रदान किया गया था? संतोष बाबू को 72nd गणतंत्र दिवस के अवसर पर, समारोह पर। किस वेब श्रृंखला ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 के प्रथम संस्करण में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला पुरस्कार जीता है? फिल्म फेयर OTT, अभी मैंने आपको बताया था OTT का फुल फॉर्म क्या होता है इसका, ओवर द टॉप, यानी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजन हॉटस्टार, अमेजन प्राइम हॉटस्टार, इन सब प्लेटफॉर्म में जो भी सीरीज़ या मूवीज रिलीज होती हैं OTT प्लेटफॉर्म बोलते हैं उनको। तो यही क्वेश्चन है कि कौन सी वेब श्रृंखला, वेब सीरीज़ की बात करी है कि कौन सी वेब सीरीज़ को OTT पुरस्कार के प्रथम संस्करण में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला यानी सर्वबेस्ट सीरीज पुरस्कार जीता है? तो द फैमिली मैन, स्कैम 1992, दिल्ली क्राइम या फिर पाताल लोक। तो किसने पाताल लोक को ये बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है? आगे पद्म पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण की बात की तो कितने, 7, 10, 52 या 78। तो कितने, 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन पद्म विभूषण, भूषण या फिर पद्मश्री से क्वेश्चन पूछा था SSC के पेपर में, CHSN में मिलने, शायद हर शिफ्ट में मिली, हर शिफ्ट में आया था कि पद्म विभूषण कितने को मिला है, भूषण कितने को मिला, पद्मश्री अवार्ड कितने व्यक्तियों को मिला है। तो वो एक बार देख लेते हैं, पद्म विभूषण तो हमने देख लिया कि 7 व्यक्तियों को मिला है, पद्मश्री पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को मिला है और पद्म श्री कितनों को, 102 व्यक्तियों को मिला है। ठीक, जितना बड़ा अवार्ड होगा उतने कम लोगों को अवार्ड मिलेगा, मिलता है। ठीक, तो पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद आता है, तो पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को और पद्मश्री 102 व्यक्तियों को। लास्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय लड़की का नाम बताइए जिसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड 2020 में जीत हासिल की है, जो 120 भाषाओं में गा सकती है। वह कौन से ऐसे पर्सन है जिसको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड दिया गया है जो 120 भाषाओं में गा सकती है? तो ऑप्शन है मोनिशा घोष, TL एलमेलू, प्रीति पटेल या सुचेता सतीश। तो आंसर ही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सुचेता सतीश जो है उनको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो 120 भाषाओं में गा सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।